सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24th of April के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमारे क्या लेवल्स रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती हूँ और समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ट्रैवल का वीडियो भी देखना है तो आई बटन में उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो निफ्टी 50 के साथ। सो अभी मेरे सामने निफ्टी 50 की 25th April की ऑप्शन चेन है। आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,575 के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और आज राइटिंग कहाँ पे बढ़ी है और कवरिंग कहाँ पे हमें देखने को मिली है, इन सब के बारे में हम देख लेते हैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से। तो 11,575 पे हमें क्लोजिंग मिली है आज निफ्टी की। तो 550 और 600 के ऊपर हम लोग एट दी मनी है। तो एक बार हम लोग देखते हैं 11,500 और 11,600 के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो कॉल साइड में अगर देखें तो 11,500 के ऊपर हमें 6,77,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है। वही अगर पुट साइड में देखें तो 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही अगर नीचे के लेवल की बात करें और तो यहाँ पे 11,400 के ऊपर कॉल साइड में 2,34,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वही पुट साइड में देखें तो 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। वही अगर 11,600 के ऊपर हम देखें तो 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में भी खड़ा है और 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में भी खड़ा है। और आज मार्केट ने सेकेंड डे पे 11,600 के नीचे, जो कि 11,600 के ऊपर हमारा एक सपोर्ट था, उसके नीचे दो बार हमें क्लोजिंग दिया है। तो इसका यही मतलब है कि यहाँ से जो है वो मार्केट 550 के तरफ हमें जाते हुए दिख सकता है। वही अगर 550 मार्केट ने ब्रीच किया तो हमें आने वाले समय में 480 और 500 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं निफ्टी 50 में। तो अगर रेजिस्टेंस देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 53 लाख का कॉल साइड में 11,700 के ऊपर। और आज अग्रेसिव राइटिंग भी हुई है 12 लाख की, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 11,700 के ऊपर। तो मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 के लिए 11,700 के ऊपर। वही अगर पुट साइड में देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है 28 लाख का, जो कि है 11,500 के ऊपर। तो 11,500 के ऊपर निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो निफ्टी तोड़ता है, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से जो है वो निफ्टी का शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड जो है वो बेरिश हो जाएगा। और वो कहाँ तक जा सकता है, वो जा सकता है 11,310 और 300 तक, 500 ब्रीच हुआ तो। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर हम ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो 11,500 से लेके 11,700 तक की रेंज निफ्टी की यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। वही अगर देखें तो हम कॉल में देख सकते हैं कि यहाँ से जो है कॉल्स में हमें अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है 12,000 के ऊपर, 11,950-900 के ऊपर कॉल्स में अनवाइंडिंग हो रही है। वही पुट में भी देखें तो यहाँ पे 11,700 के ऊपर, देन 11,800 के ऊपर हमें पुट में कवरिंग भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है निफ्टी को, अगर निफ्टी 550 तक जाके 550 भी तोड़ता है, उसके नीचे 15 to 20 minutes रहता है, तो नीचे के लिए टारगेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं 500 और 450 तक के। वही अगर अपसाइड की बात करें तो निफ्टी अगर अपना 11,600 का जोन तोड़ के ऊपर आने की कोशिश करता है तो 11,700 के ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस निफ्टी को फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं चार्ट के ऊपर से निफ्टी के।
तो अभी मेरे सामने निफ्टी 50 का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। तो थर्ड डे पे भी निफ्टी ने एक स्मॉल बेरिश कैंडल फॉर्म किया है। कल बेरिश बेल्ट होल्ड के बाद अगर आज बेरिश कैंडल निफ्टी ने फॉर्म किया है तो यहाँ से जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी थोड़ा बेरिश दिखाई दे रहा है मुझे। वो कहाँ तक जा सकता है बेरिशनेस 480 तक मुझे लग रहा है कि निफ्टी जा सकता है यहाँ से, क्योंकि आज आप देख सकते हो कल मैंने बताया था कि 650 और 660 के ऊपर निफ्टी को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है और आज 650 तक ही मार्केट गया। उसके बाद वहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आते हुए हमें दिखा और निफ्टी ने आज 560 का कुछ लो किया था। तो निफ्टी जो है वो अभी अपने सपोर्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बहुत क्लोज है। 11,550 के तरफ अगर मार्केट कल के लिए निकलता है और उसको तोड़ के उसके नीचे 15 टू 20 मिनट्स रहता है तो हमारे लिए नेक्स्ट यहाँ से जो लेवल निकल के आ रहा है तो वो है 510 का। निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट 510 के पास है। अगर वो भी तोड़ता है तो इसके बाद में निफ्टी जा सकता है 480 के तरफ। अगर क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने 500 के नीचे की क्लोजिंग हमें दी तो यहाँ से जो है वो निफ्टी का शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। और वो कहाँ तक जा सकता है? वो जा सकता है 11,300 तक। तो निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है 650 का जोन। अगर 650 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो यहाँ से जो है वो हमें 680 और 700 तक के टारगेट्स अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। आज आपने देखा कि 585, जैसे मैंने बोला था कि 585 पे एक सपोर्ट है निफ्टी को, वो ट्राई किया मार्केट ने होल्ड करने का बट उसके नीचे आज क्लोजिंग दे दी है निफ्टी ने। और सेकेंड डे भी 11,600 के नीचे की क्लोजिंग मिलना, तो ऐसा लगता है कि ये 550 के नीचे ही जाके कहाँ पे तो रुकेगा, तभी हमें फिर से अपसाइड के मूव्स दिखाई दे सकते हैं। तो ये कहाँ तक जा सकता है नीचे के तरफ? 510 और 480 के तरफ जा सकता है निफ्टी। तो ये निफ्टी के लिए लेवल्स थे। आप अपने चार्ट पे ये सब लेवल्स मार्क करके रखो। और आप अगर देखोगे तो आज निफ्टी जो है वो 650 और 550 के बीच में ही घूम रहा था। तो इस ये टाइम पे क्या होता है कि कॉल्स और पुट्स के जो प्रीमियम्स है वो बहुत जल्दी डीके हो जाते हैं। तो जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये सब मतलब ऐसा एक मार्केट एक जगह पे ही रहने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है फिर, क्योंकि प्रीमियम्स डीके हो जाते हैं। तो आप लोग सेफली ट्रेड करो। अभी आप ये देखो कि 550 टूटता है कि नहीं। अगर 550 टूटता है यहाँ से तो हमें नीचे के लिए 500 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है मेरे सामने, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग आई है 29,479 के ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि 29,500 के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट है, लेकिन आज वो सपोर्ट भी बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया और उसके नीचे की क्लोजिंग हमें आज दिया है। तो यहाँ से जो बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड जो है वो हमें निगेटिव लग रहा है। ये ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में बात करने से पहले हम एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी की 25 अप्रैल की ऑप्शन चेन है मेरे सामने। 29,479 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो हम लोग 400 और 500 के ऊपर एट दी मनी है। तो देख लेते हैं कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पे है बैंक निफ्टी को। तो रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें कॉल साइड में दिखाई दे रहा है जो कि है 30,000 के ऊपर। वही अगर पुट साइड में देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 29,500 के ऊपर और उसके बाद में है 29,000 के ऊपर। तो आज तो निफ्टी बैंक ने 29,500 का सपोर्ट तोड़ के उसके नीचे की क्लोजिंग हमें दिया है। तो अभी यहाँ से जो है वो निफ्टी बैंक कहाँ तक जा सकता है?
29,000 और 29,200 तक यहाँ से हमें टारगेट्स निफ्टी बैंक के लिए लग रहे हैं। वही अगर अपसाइड में देखें तो अपसाइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो 29,700 और 800 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए। तो चलिए चार्ट के ऊपर से अब देखते हैं। तो ये है मेरे सामने निफ्टी बैंक का कैंडलस्टिक चार्ट। तो निफ्टी बैंक ने जो आज क्लोजिंग दिया है 29,479 के ऊपर, जब तक 29,750 के नीचे निफ्टी बैंक ट्रेड करता है तो हमें डाउनसाइड के लिए टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं 29,250 और 29,180 देन 29,000 के। कब तक? जब तक निफ्टी बैंक जो है वो 29,750 के नीचे ट्रेड करता है। तो निफ्टी बैंक के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? 29,750 के ऊपर सस्टेन करना, तभी हमें अपसाइड के लिए 30,000 के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट है अभी 29,250 के ऊपर और उसके बाद में 29,000 के ऊपर। तो अभी निफ्टी बैंक के लिए नेक्स्ट जो लेवल यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, अगर 750 के नीचे निफ्टी बैंक रहता है तो 29,250 देन 29,000 तक के हमें लेवल्स यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। वही अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में मेजर रेजिस्टेंस हमें यहाँ 30,000 के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो ये थे मेरे लेवल्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर। आप अपना एनालिसिस खुद भी करो, आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप मेल पे मुझे भेज दो, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगी, या फिर कमेंट्स में पूछ लो, मैं उस पर भी रिप्लाई कर दूंगी। सो बस आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम आती जाए। और हाँ, जो लोग मुझे मेल्स पे और कमेंट्स में पूछ रहे थे कि अभी आपकी तबीयत कैसी है, और बहुत सारे लोग मुझे सजेशन भी कर रहे थे कि आपका गला ठीक नहीं है तो आप ये खाओ या फिर बाहर का कुछ भी मत खाओ, तो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है बट ओवरऑल मेरी तबीयत अभी एकदम फर्स्ट क्लास है। आफ्टर ऑल आप लोगों की दुआ थी तो ठीक तो होना ही था। ऐसे ही प्यार देते रहिए मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।